वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के आशा ज्योति केंद्र की कार्यवाहक प्रभारी आरती त्यागी को बर्खास्त कर रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने यह कार्रवाई महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह के उस औचक निरीक्षण के बाद की है, जिसमें आरती त्यागी केंद्र से न सिर्फ नदारद पाई गई थी, बल्कि मोबाइल पर ही अधीनस्थ से आयोग उपाध्यक्ष की जानकारी जुटा रही थी। आरोप यह भी है कि वह पिछले 3 माह से घर से ही मोबाइल पर केंद्र का संचालन कर रही थी। इस आशय की जानकारी आज मेरठ पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने मीडिया को दी। दरअसल हाल ही में सुषमा सिंह ने आशा ज्योति केंद्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में तमाम अनियमितताओं के अलावा यह भी जानकारी में आया था कि आरती त्यागी पिछले 3 माह से केंद्र पर आई ही नहीं है, वह फोन पर ही केंद्र को संचालित कर रही हैं। एक महिला होमगार्ड बबली ने रोते हुए यहां तक कहा था कि वह आरती त्यागी के बारे में कुछ बोलेंगी तो नौकरी चली जाएगी। देखिए वह वीडियो। तो आपको तो 2 लाइन लिखनी चाहिए, आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम आप डरो मत, आपके साथ है मैडम। यहीं पर आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह की मौजूदगी में आरती त्यागी का फोन आया तो यह नजारा देखने को मिला। ये बोलो फोन आ रहा है आपका 2 बार, बताइए क्या बात है। अच्छा मैम आपकी कॉल आ रही थी 2 बार। क्या आपकी 2 कॉल आई हुई है? मैंने फोन किया है, कहाँ हो ये पूछ रही हूँ। मैम मैं तो ऑफिस में ही हूँ। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, नहीं मैम। कर्मचारी मैडम सब हो, स्टाफ ही है ऑफिस में, स्टाफ ही है ऑफिस में। मैडम ये वहाँ पे निकल गई मैडम। आई थी। हेलो जी मैम आई थी। अच्छा पानी वानी पिलवा दिया था चाय वगैरह? जी मैम। निकल गई अभी? जी मैम। अभी नहीं है वहाँ पे? नहीं मैम। हमको हो गई मैडम थोड़ी बहुत देर हो गई। मैम मैं काम कर रही थी, थोड़ा पता नहीं। जी मैम आज मेरठ पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने यह जानकारी मीडिया को दी। मेरा सवाल आपसे है कि आप हिंदुओं की क्या सोचते हैं? हिंदू धर्म को जो भी व्यक्ति मानता है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय है, उसके लिए शिव सत्य है, शिव ही व्यापक है और शिव ही से ही हमारी ये सृष्टि चलती है। ऐसा हमने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से सीखा है। आस्था में जिनका विश्वास है वो जो हुआ है उसको और मजबूती से लेते हैं, और आस्था पे जिनको विश्वास नहीं है वो किसी अन्य जाति के, वो भारतीय शायद है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी प्रॉब्लम है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप उनसे पूछिए जो इस देश के नागरिक होके भारत माता की जय तो बोल नहीं रहे हैं, तो उनको शिवलिंग जैसी चीज़ों में आस्था कैसे हो सकती है? मैं वहाँ गई नहीं हूँ, जो सोशल मीडिया और जो टीवी दिखा रहा है, और दूसरी बात जो इतना हमारा पुराना इतिहास कहता है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है उसके आसपास और या उसके नीचे जो दबे हुए जब भी कभी खुदाई की गई है तो शिवलिंग ही निकले हैं। तो इसका जवाब तो आप लोगों को भी पता है, इतिहास गवाह है, जब जब खुदाई हुई है शिव भी निकले हैं और सांप देवता जी भी निकले हैं। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, आंखों देखिए आप, देखिए जाइए वहाँ,
और खुदाई में अपना आपको आप भी परमिशन लीजिए, आपको देखेंगे शिव ही मिलेगा, शिवलिंग ही मिलेगा और सांप देवता ही मिलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।